नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शमशाबाद तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रुसलनी के सरपंच घासीराम अहिरवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को लेकर लिखित शिकायत करते हुए उप सरपंच लेखराज साहू द्वारा करीब 20 लाख रुपए की राशि गलत तरीके से निकाले जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया है कि उनका मोबाइल लेकर जो भी उसके पास ही उसी पर आई ओटीपी के जरिए राशि निकाली गई है। उन्होंने बताया है कि संबंध में शिकायत पूर्व में भी जनपद क्षेत्र में की गई थी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए उन्हें कलेक्ट्रेट में जाकर शिकायत करना पड़ा। विदिशा से भैयालाल ठाकड़ की रिपोर्ट। कौन सी पर लगती है तहसील? क्या मामला है, क्यों आया? मैं यहाँ लिख रहा सरपंच की शिकायत कर रहा। क्या शिकायत कर रही है? वो उप सरपंच है, मैं सरपंच हूँ। हाँ, वहाँ ने सब राशि निकाल ली। क्या निकाल ली? राशि, पैसा। कैसे माने हमको राशि निकाल ली? बाल मुँह से लेकर ही बा टी वी से लेकर ही मोबाइल भी ज़्यादा माने पेल अभी जमा हो चुना पेल तो चुना हो रहा बेबी झल्ले माने और राशि निकाल ली। कितनी राशि निकाल ली? 20 लाख कम से कम। तो इसकी आपने शिकायत नहीं करी वहाँ पे? करी शिकायत, कोई सुनवाई नहीं। आज किसको देने आओ? कलेक्टर साहब को दी है। क्या कह रहे हैं कलेक्टर साहब? कह रहे हैं लटेरियन भेज देंगे, लटेरियन भेज देंगे। कौन है उप सरपंच? ये खास साहब। कितनी राशि निकाल ली और कैसे निकाल ली? वहाँ से कम से कम 20-25 लाख है। मोबाइल खराब है, मैं चल रहा, मैं जमा कर जाऊँगा और बस गाड़ियाँ सब बज पास मिल पाते। ये आपको कैसे मालूम चला कि राशि निकाल रहा है? राशि निकालना पता करना सच कुछ नहीं। आपका क्या नाम? मेरा नाम घासीराम। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे आप, क्या बोले? दस कर ले जाओ। क्या चाहते हो भाई? अपन तो बाहर को निकाल जा। निकाल मतलब कैसा? उनसे राशि वसूलने जा रहा हूँ, जेल भेजने जा रहा हूँ। जैसी अपेक्षा बोलो बेस्ट। अरे हम क्यों, आप आपकी इच्छा है हमारी थोड़ी। रुसल्ली कौन सी तहसील में आती है? आखिरी मुद्दे की बात। शमशाबाद क्षेत्र के रुसल्ली गांव से सरपंच और कुछ लोग आए थे शिकायत करने अनियमितताओं की। उप सरपंच पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप। जांच हुई, क्या कहें? हाँ, इसमें परियोजना अधिकारी ऋचा ने जांच करी है। उसको सीओ साहब ने उसको टीएल में रखा हुआ था, तो ये जांच प्रतिवेदन अभी प्रस्तुत करवा करके स्वयं कार्रवाई करेंगे। मंडे को टीएल है, उसको प्रतिवेदन क्या आया तो सीओ साहब के सामने उसको पुट अप करेंगे। प्रारंभिक जाँच में क्या लग रहा है? वहाँ जो शिकायतकर्ताओं की शिकायत है सही है गलत? अब वो देख लें, जांच प्रतिवेदन अभी मैंने अवलोकन में नहीं लिया है, तो मंडे को टीएल में अवलोकन में लेके कार्रवाई करेंगे। अनियमितता पाई जाएगी तुरंत कार्रवाई साहब के पास। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।